साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की महिला टीमों के बीच खेला गया वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला 32 रनों से कीवी टीम ने अपने नाम कर लिया। साउथ अफ्रीकी टीम लगातार दूसरी बार फाइनल मुकाबले में चूक गई। वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया और 158 रन बनाए। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका 9 विकेट के नुकसान पर केवल 126 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड की ओर से एमेलिया केर ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 8 विकेट से हार मिली। इस मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 107 रनों का टारगेट दिया था, जिसे न्यूजीलैंड ने आसानी से चेज कर लिया। इसके साथ ही कीवी टीम ने भारतीय सरजमी पर 36 साल बाद कोई टेस्ट मैच जीता है। बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के हाथों मिली हार के बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ज्यादा चिंतित नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस तरह की चीजें होती रहती हैं। अब हमारी टीम का ध्यान अगले 2 मैचों पर है और पुणे मुंबई में होने वाले इन मैचों में हम पूरी ताकत लगाकर सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। ऋषभ पंत की चोट को लेकर कप्तान रोहित शर्मा ने साफ कर दिया है कि टीम मैनेजमेंट आगे से पंत को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतने वाला है। पंत की चोट बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उन्हें बेंच पर बिठाने और जोखिम न उठाने का फैसला किया, क्योंकि ऋषभ पंत हमारे टेस्ट टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में मिली हार के बाद एक बड़ा फैसला किया है। सिलेक्टर्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड की घोषणा कर दी है, जिसमें ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। दूसरा टेस्ट मैच 24 अक्टूबर से पुणे में खेला जाएगा। रिंकू सिंह की शानदार पारी के दम पर उत्तर प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी मैच में हरियाणा के खिलाफ जोरदार पलटवार किया है। रिंकू ने 110 गेंदों पर 10 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 89 रनों की पारी खेली। रिंकू के धमाकेदार अर्धशतक के दम पर उत्तर प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी ग्रुप सी मैच के तीसरे दिन हरियाणा के 453 रनों के जवाब में 6 विकेट पर 267 रन बनाए। श्रीलंका ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में 5 विकेट से विंडीज टीम को शिकस्त दी। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 38.3 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 185 रन बनाए थे। इसके बाद बारिश आ गई और जवाब में 186 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 31.5 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 234 रन बना लिए और डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर मिले टारगेट को लंकाई टीम ने चेज कर लिया।